हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोमल सिंह लेक्चरर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पढ़ते हैं त्रि मैंने तीन कोण, मिति मैंने माप, तीन कोणों की माप। इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं तीन कोणों की माप पढ़ते हैं, यानी कि त्रिभुज से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। और उन त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनमें तीन कोण हम कैसे निकालते हैं, जो त्रिएंगल होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, हम उन्हें ज्ञात करते हैं इजिली इसमें। तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास में एक त्रिभुज होता है। जैसे हमारे पास में एक त्रिभुज गिवन है ए बी सी, इसमें जो ये वाली भुजा होती है इसे बोलते हैं हम लंब, और लंब को मैंने एल से डिनोट किया है। फिर ये वाली जो भुजा है इसे बोलते हैं आधार, आधार को मैंने ए से डिनोट किया है यहाँ पे। और ये जो आपके पास में भुजा है करण, इसे मैंने के से डिनोट किया। तो हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय कहती है ये कर्ण का वर्ग होता वो अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग चाहे पहला लंब रख लो और यहाँ पे पीछा आधार को ले जाओ, इससे फॉर्मूले पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे थोड़ा सा इजी कर लेते हैं फॉर्मूले को, थोड़ा इजी। यहाँ पे कर्ण कर्ण को मैंने के से डिनोट किया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा के स्क्वायर। आधार को मैंने ए से डिनोट किया तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए स्क्वायर। लंब को मैंने एल से डिनोट किया तो हो जाएगा एल स्क्वायर। यदि मुझे के निकालना हो, के का मान निकालना हो, तो k के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं उधर मारूंगा फेंक, जब बराबर से उधर मारूंगा तो क्या होगा, ये जो दो बंदे बैठे ए स्क्वायर और एल स्क्वायर, इनके ऊपर एक छत आ जाएगी, बहुत प्यारी सी छत में के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जिसे हम अंडर रूट के नाम से जानते हैं। एक बात पूछना है, k का स्क्वायर है, k के स्क्वायर को ना जब आप उधर मारोगे फेंक का, तो ए स्क्वायर और एल स्क्वायर के ऊपर एक छत दिखाई देगी, इस छत को हम अंडर रूट से डिनोट करते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से किसी भी मान को फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। यदि मुझे क्या, यहाँ पे देखो मेरे पास फॉर्मूला के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि मुझे यहां से ए निकालना हो तो ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एल को इधर मार दूंगा फेंक का, तो एल कहाँ का हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे रह जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आप लोग, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर और एल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम सारे फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। तो ए निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर हमारे पास में हो जाएगा इसी प्रकार से एन निकालने के लिए, एन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इनका हम प्रयोग करेंगे। अब हमें क्वेश्चन गिवन है, एक प्रश्नावली 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी दिया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो दिया उसे लिख लेते हैं। दिया है हमें दिया ए बी, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। फिर हमें गिवन है बी सी, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए बी, ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज है ए बी, ए बी तो ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम मान दे दिया गया 24, एल का मान यानी कि लंब का मान हमें 24 दे दिया गया। बी सी, बी सी हमारा आधार, आधार का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब हमें क्या निकालना, ए सी निकालना यानी कि कर्ण निकालना। कर्ण निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला के बराबर के बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ए का मान कितना हमारे पास में, यहाँ देख लेते हैं, ए का मान हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर रखा 7 का वर्ग। फिर एल, एल का मान कितना, एल बराबर हमारे पास में 24 का वर्ग। के बराबर, 7 का वर्ग कितना होता 49, और 24 का वर्ग होता 576। जब हमने ऐड करते हैं 9 और 6 15, 4 और 7 हो गए 11 1 12, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये 625। 625 को लिख देते हैं हम, 625 किसका होता वर्ग, 25 का, तो हम इसे लिखते हैं 25 गुणा 25, तो के बराबर हम प्राप्त होता 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम निकालना साइन ए और कोस ए। तो हम पहले पद निकालते हैं साइन ए और कोस ए। तो इस सबसे पहला हमारे पास में फॉर्मूला होता, फॉर्मूला होता एल ए एल बटे के ए। एल इसे बोलते हैं यहाँ पे साइन, यहाँ पे होता है कोस, और यहाँ पे होता है कोट, यहाँ पे होता है सैक, और यहाँ पे होता है कोसैक। तो हमें निकालना है साइन, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन। साइन के लिए हमने फॉर्मूला लगा साइन ए, साइन ए। जब आप लोग का ए निकालते हैं तो ए का मतलब होता है टॉप पर देखना चाहिए, हमें एंगल टॉप पर देखना होता। यदि हमारा ए टॉप पर है तो हमारा त्रिभुज यही चल जाएगा, देखो ए हमारा, यदि हम एंगल ए निकाल ले हो, तो ए एंगल जो होता है ना, जब भी जो यहाँ पे एंगल लगता है वो टॉप पर होना चाहिए। तो यदि ए टॉप पर है तो त्रिभुज यही हमारा चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये निकल गया हमारा, ये कितना है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, करंट निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला एल बटे के, एल बटे के। एल का मान कितना हमारे पास में, एल का मान 24, के का मान कितना 25, यही हमारा आंसर। फिर हम निकाल लेंगे कोस ए, कोस ए, तो कोस हमारे पास ये रहा कोस, कोस फॉर्मूला ए बटे के, तो यहाँ फॉर्मूला लगा ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार, आधार हमारे पास कितना, आधार हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हमारे पास अभी निकल का 25। तो हमारे दोनों मान इजीली फाइंड आउट हो गए। अब हम इससे अगला पार्ट निकालते हैं, अब निकालते हैं हम साइन सी कोमा कोस सी। साइन सी, साइन सी के लिए हम क्या करना है, ये जो त्रिभुज मैंने बोला था कि टॉप होना चाहिए सी, तो यहाँ पे टॉप पे सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज को ऐसा बदल लेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बीसी, बीसी वाली जो भुजा बीसी कितनी थी 7, तो जब आप लोग इसे ऐसे घुमाओगे तो त्रिभुज ऐसे लेट जाएगा, देखो ऐसा, यानी कि सी आपका टॉप पर चलेगा और ए कहाँ आ गया आपका नीचे। तो अब हम देखेंगे ए सी, ए सी कितना, ए सी यहाँ पे कितना था 25। अब हम देखते हैं बी सी, बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ए बी कितना था, ए बी, ए बी हमारे पास था 24। तो अब आप लोगों का त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। अब हम इसमें निकालते हैं, यानी कि जब आप लोगों का टॉप पर सी चले जाता है तो आप त्रिभुज को ऐसे घुमा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन सी, साइन सी, साइन का फॉर्मूला लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण, लंब का मान, लंब का मान कितना होगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हमारे पास में 25। फिर हमारे पास आता है कोस सी, कोस सी का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। फिर हमारे पास में बचता आधार, आधार का मान कितना यहाँ पे 24, और कर्ण का मान कितना यहाँ पे 25। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी मान है ना वो इजीली क्या हो जाते हैं, फाइंड आउट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पॉइंट 1.3 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास में आकृति वो ना 8.13 आकृति है जो आपके पास में, ये हम गिवन है, इसमें जो आपके पास है पी
क्यों PQ का जो मान है यानी कि लंब का जो मान है वो हमारे पास में दे रखा 12 और जो कर्ण का मान है वो हमारे पास में दे रखा 13। अब हमें निकालना QR यानी कि आधार हमें इसमें निकालना, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था आधार निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था a बराबर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसका हम प्रयोग करते हैं, जो हमें गिवन हम लिख लेते हैं। पहले हमारे पास गिवन है PR हमारे पास में 13, फिर हमारे पास है PQ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या इसमें QR हमें निकालना, फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं a बराबर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। के का मान कितना हमारे पास में 13 हम रख लेते हैं यहाँ पे 13 का वर्ग माइनस एल लंब, लंब का मान कितना हमारे पास में 12। 13 का वर्ग कितना होता 169, 12 का वर्ग होता 144। हम इसे लेस कर लेते हैं, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, तो हमारे पास बचा 25। 25 को हम तोड़ देते हैं 5 गुणा 5, अंडर रूट में से 12 जाता है जिसके जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 बार आ गया, तो 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आधार आया वो निकल का आया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan P, तो यहाँ पे हम निकालते हैं tan P, निकालते हैं tan P। P जो भी एंगल होता है वो हमें देखना होता है टॉप पर है या नहीं, सबसे पहला हमारा यही काम होता है। तो हम P देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, टॉप पे है तो त्रिभुज यही है, हमें चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, टॉप पे है। अब हम फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला हमारे पास में लाल बटे काका, यहाँ पे साइन, यहाँ पे है कोस और यहाँ पे है टैन, यहाँ पे है कोट और यहाँ पे हमारा सैक और यहाँ पे है कोस सैक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रामबाण है बिल्कुल। टैन, टैन बराबर है लंबटे आधार, लंबटे आधार, तो लंब, लंब कितना हमारे पास में 12, आधार कितना हमारे पास में 5, तो टैन पी का मान हो जाएगा 12/5। इसी प्रकार से हम निकालते हैं कोट आर, कोट आर, कोट आर का मान। अब हम देखते हैं आर, आर टॉप पर है या नहीं, हमने देखा आर टॉप पर नहीं है तो ये त्रिभुज नहीं चलने का, त्रिभुज को घुमाना पड़ेगा। अब हम टॉप पर आर लेकर आऊं तो त्रिभुज को ऐसा करके घुमाया जाएगा, ऐसा करके, यानी कि जो पी है ये एकदम से कहां आ जाएगा डाउन में, यानी कि आपका त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, पी एकदम से डाउन में आ जाएगा आर टॉप पर, क्योंकि यदि हमें आर निकालना तो आर को टॉप पर रखना, तो इस प्रकार से त्रिभुज हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं लंब, जो आप लोगों का आर क्यों था, आर क्यू कितना था, यू का तो रखना आप लोगों को, आर क्यू कितना 5 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना हमारे पास में 12, ये जू का तू 12, और फिर पी आर कितना था 13 सेंटीमीटर, तो ये जू का तू। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता, कर्ण कभी नहीं बदलता, हमेशा बदलता है लंब के आधार पर, लंब के स्थान पर आधार आ जाता है, आधार के स्थान पर लंब चले जाता है, इसमें ऐसा क्रॉस हो जाते हैं, रिवर्सिबल, इनके मान चेंज हो जाते हैं। देखो इस वाले त्रिभुज में लंब कितना था 12 और यहाँ पे लंब कितना हो गया 5, चेंज हो गया, और यहाँ पे आधार कितना था 5 और यहाँ पे आधार कितना हो गया 12, तो ये चेंज हो जाता। अब हम निकालते हैं कोट आर, कोट हमारा यार कोट बराबर फॉर्मूला आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कोट का फॉर्मूला।
आधार का मान कितना, आधार देख लेते हैं इस वाले त्रिभुज में, आधार कितना हमारा 12, आधार हमारा 12 है। फिर हम निकालते हैं लंब कितना हमारा 5। अब हमारे पास इक्वेशन जी है ना, टैन पी माइनस कोट आर, हम निकाल लेते हैं टैन पी, टैन पी की वैल्यू हो 12/5 माइनस कोट आर की वैल्यू 12/5, ये प्लस का ये माइनस का आपस में लड़ लड़ कर मर गए, तो आंसर कितना है हमारा 0। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।